हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोदी मीडिया पर भड़के पूर्व आईपीएस ध्रुव गुप्त बोले, ये एंकर जैश और लश्कर के आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरी दुनिया में जब इस बात की चर्चा हो रही है कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए, तब भारतीय मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि युद्ध क्यों होना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद से ही सीमा पर तनाव था। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उल्लंघन ने स्थिति को और नाजुक बना दिया था। युद्ध जैसा माहौल हो चला था, लेकिन दोनों मुल्कों के अमन पसंद लोग लगातार युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस अति संवेदनशील माहौल में गोदी मीडिया स्टूडियो से युद्ध का ऐलान कर रही थी। न्यूज चैनलों में वॉर रूम बन चुके थे। बड़े बड़े मूंछों वाले रक्षा विशेषक मुख से आग निकाल रहे थे। गोदी मीडिया के पत्रकार घुसकर मारने, चढ़कर मारने और तबाह करने की बात तो ऐसे कर रहे थे मानो वही सीमा पर खड़े हों। सत्ता की गोदी बैठी ये मीडिया दर्शकों को युद्ध के दुष्परिमाण नहीं बता रहे थे, क्योंकि इससे सत्ताधारी दलों को राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। जबकि सबको पता है कि युद्ध में हजारों हजार संसान भर जाते हैं, परिवार तबाह हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध के बाद का मंजर तो हद से ज्यादा भयानक होता है। आर्थिक तबाही हो जाती है, वह अलग, लेकिन इन सब से मीडिया को क्या मतलब? कौन सा इन एंकरों को युद्ध लड़ने जाना है? युद्ध तो गरीब और किसान परिवार से आने वाले युवकों के लिए होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मीडिया की इस जालसाजी को अब आम जनता समझने लगी है। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक अब गोदी मीडिया के जहरीले बोल की चर्चा होने लगी है। बड़े अधिकारी निष्पक्ष पत्रकार गोदी मीडिया के खिलाफ मुहिम जंग छेड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार, जो खुद न्यूज एंकर हैं, उन्होंने दर्शकों से 2.5 महीने के लिए टीवी ना देखने की अपील की है। गोदी मीडिया से नाराज पूर्व आईपीएस ध्रुव गुप्त ने लिखा है, हमारे अपने देश में ही जैश और लश्कर के आतंकियों से भी खतरनाक कुछ लोग हैं, जो सरकारी संरक्षण में देश को भावनात्मक रूप से बांटने और देशवासियों को मानसिक तौर पर पंगु और विकसित बनाने के सतत अभियान में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का इलाज करने से पहले अगर इन भूतों और भूतनियों का इलाज नहीं हुआ तो अगले कुछ सालों में ये समूचा देश पागल खानों में होगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।